Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिग बॉस के घर में हो गई बड़ी लड़ाई, बड़ा बवाल हो गया बिग बॉस के घर में. पहले होता है रूबीना दिलाइक वर्सेस एजाज खान. तो घर में नॉमिनेट होने के बाद क्या होता है मैं बताता हूँ. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल. स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में. तो दोस्तों, चारों के चारों नॉमिनेट हो गए. उसके बाद तकलीफें बढ़ गई, टेंशन बढ़ गई रूबीना दिलाइक को. कहीं ना कहीं अब ये है कि कहीं ये सब साजिश ना हो अभिनव शुक्ला को निकालने की, जहां पे फैन फॉलोइंग भी यही कहती है. तो यहां पे बात यहां से शुरू होती है. रूबीना दिलाइक कहती है कि एजाज खान ने बिग बॉस के मन में ये बात डाल दी है कि अभिनव के घर से बेघर होने के बाद रूबीना की गेम और बढ़िया होगी. तो कहीं ना कहीं इसके लिए अभिनव शुक्ला उनको लगता है कि नॉमिनेट किया गया है, वो बाहर निकल जाएंगे. इस बात का मुद्दा बन जाता है, फसाद शुरू होता है, लड़ाई शुरू होती है. एजाज खान और रूबीना दिलाइक की बड़ी ही जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है. बीच में नाच नाच के अभिनव शुक्ला भी आते हैं, बातें करते हैं, लेकिन फिर लड़ाई एक अलग रुख अख्तियार कर लेते हैं. बीच में लड़ाई में बहुत सारे लोग हाथ धोते हैं, राखी सावंत वर्सेस निक्की तमोली भी होता है, लेकिन एंड में ये लड़ाई बढ़ती बढ़ती जो है अर्शी खान वर्सेस रूबीना दिलाइक हो जाती है. रूबीना दिलाइक अर्शी खान की बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है. यहां पे अर्शी खान उनको कह रही है कि हिंदुस्तान है, हिंदी में बात करो, लेकिन अभिनव शुक्ला और जानबूझ के बार बार उसको चढ़ाने के लिए अंग्रेजी में बात करते हैं. रूबीना दिलाइक भी अंग्रेजी में बात करती है, तो उसकी यहीं पे सुई अटकी हुई है कि हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो. यहां पे अर्शी खान कहीं ना कहीं एक गलती कर देती है कि प्रॉपर्टी भी तोड़ देती है, कुछ चीजों को डैमेज कर देती है. तो शोर मचा कि प्रॉपर्टी डैमेज की, प्रॉपर्टी डैमेज बिग बॉस के घर में सबसे बड़ा अपराध है ऐसा कहा जाता है. तो एक समय में अर्शी खान के खिलाफ अली गोनी भी बोलते हैं, सब चीजें होती है, पूरी भड़ास निकलती है. और वो कहती है अर्शी खान की ये रूल तोड़ते हैं, मैं तो बोलूंगी. और कमाल की बात यह है कि लगातार रेगुलर इतनी बड़ी कैपेसिटी है, इतना स्टेमिना है कि अर्शी खान बोलती रहती है. उसके बाद सीन पलटता है, बिग बॉस सभी को बुलाते हैं और सभी बैठे हुए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. बिग बॉस कहते हैं कि आप सभी को किसी मकसद के लिए बुलाया गया है, आप अपनी ये बातचीत बाद में कीजिएगा. तो उसके बाद अचानक से बिग बॉस अंग्रेजी बोलने लगते हैं कि दिस इज नॉट, ये मैं इतनी बोल नहीं सकता. तो बिग बॉस फड़ा फड़ा फर फर अंग्रेजी बोलते हैं, सब तो समझ में आ जाता है कि भैया ये तो काम खराब हो गया. तो फिर बिग बॉस कहते हैं कि ये जो बोला ये जनता को समझ में आए या नहीं, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हम शो जो है जनता के लिए के एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बना रहे हैं, ये तो हम अपनी आत्मा की शांति के लिए शो बना रहे हैं. तो इस तरीके से अंग्रेजी बोलने पर बिग बॉस लगाते हैं तवा, उनको शर्मसार करते हैं कि बार बार कहने के बावजूद भी रूल तोड़ रहे हो और बार बार इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होता है. उसके बाद यहां पे चीजें कुछ म्यूट हो जाती हैं, लेकिन अर्शी खान की कुछ इस तरीके से क्लास ली, या फिर अर्शी खान को बिग बॉस ने दे दी कोई सजा, क्योंकि उसके बाद फिर लगातार अर्शी खान एक कोने में बैठी हुई रोती हुई दिखाई दे रही है, लोगों पे ऊपर इल्जाम लगा देती है, सब लोगों को बनाते हैं. यहां पे अभिनव शुक्ला भी आके अर्शी को कहते हुए सुनाई देते हैं कि अर्शी मैं तेरी तरह तेरा मजाक नहीं उड़ाऊंगा, लेकिन ये तेरे को तेरी ही गलती का परिणाम भुगतना पड़ रहा है, ऐसा कुछ कहते हैं. तो इससे हम 2+2 जोड़ के ये अंदाजा लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या बिग बॉस ने अर्शी खान को दे दी है कोई सजा, या आने वाले कप्तानी के टास्क से बाहर कर दिया, या कुछ और कर दिया है, तो ये देखना होगा. लेकिन ये बवाल बिग बॉस के घर में हुआ है दोस्तों, एपिसोड में जो आपको देखने को मिलेगा. तो धन्यवाद, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल. थैंक यू सो मच. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.